Hello dear students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn the formula, section formula related to chapter coordinate geometry. So students, section formula kya hota hai? देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं P और Q, ठीक है जी, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट आपके पास Q है. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2. तो आपने अगर एक पॉइंट R निकालना है जो दोनों पॉइंट्स को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो हमने इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला कैसे होते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट लिख लो x1 y1, यहाँ पे x2 y2 लिख लो. तो कैसे फार्मूला याद करना है, पहले x कोऑर्डिनेट निकलेगा R का, m1 x2, m1 को x2 से मल्टीप्लाई कर दो, m2 को x1 से, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन सम ऑफ रेशियो, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा R पॉइंट का. इसी तरह अगर आपने y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 को y2 से मल्टीप्लाई कर दो, m2 को y1 से, डिवाइड बाय रेशियो. ठीक है जी, आप इस तरह डायग्राम में एरो बना के भी लर्न कर सकते हो, आप सीधे भी इसको याद कर सकते हो सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला बेसिकली, अगर दो पॉइंट्स पी और क्यू है, उन दोनों पॉइंट्स को पॉइंट आर बीच में से इंटरनली कट करता है रेशियो m1 रेशियो m2, यानी कि दो पॉइंट्स को अगर कोई पॉइंट बीच में से कट करता है और उसकी हमें रेशियो पता है कितनी रेशियो में वो कट करता है, उस पॉइंट को निकालने का ये फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन में बोलता है कि वो 2:3 में कट करता है पॉइंट को, तो ये m1 हो जाएगा आपका, ये आपका m2 हो जाएगा. तो फार्मूले में m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो, दो जो पॉइंट्स दिए होंगे उसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे. अगर ये इंटरनली है तो ये फार्मूला है, अगर किसी क्वेश्चन में एक्सटर्नली वर्ड यूज किया जाए एक्सटर्नली, तो फार्मूले में बीच में नेगेटिव आ जाएगा ऊपर नीचे. ठीक है जी, नेक्स्ट शीट पे दिखाता हूं मैं आपको. तो अगर आपको टू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट उसको एक्सटर्नली कट करता है, एक्सटर्नली का मतलब होता है ऐसे पी पॉइंट है, ठीक है, क्यू पॉइंट है, एक जो पॉइंट आर है ना वो दोनों को बाहर से कट करता है, बाहर लेंगे रेशियो, उस केस में फार्मूले में बीच में माइनस आ जाएगा, सिर्फ आपने इतना याद रखना है. और हमारे पास नेक्स्ट है मिड पॉइंट फार्मूला. अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, पी और क्यू, तो आपने उसका मिड निकालना है बीच वाला, तो मिड पॉइंट फार्मूले में क्या रेशियो बराबर हो जाती है, 1:1 सेम रेशियो होती है, तो m1 m2 दोनों बराबर हो जाते हैं, वो कट जाते हैं. इसलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करवाया जाता है कि अगर एक्स वाई पॉइंट निकालना है बीच वाला, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y बाई 2. ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल. सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में हमारे पास कोई ट्रायंगल है उसके तीनों पॉइंट्स पता है, ठीक है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला भी पता है, ये वाला भी पता है, एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है और तीसरा पॉइंट x3 y3 है, तो मुझे अगर सेंट्रोइड निकालना है तो सिंपल फार्मूला है कि x कोऑर्डिनेट्स x में प्लस करके बटा 3 कर लो, y कोऑर्डिनेट्स y में ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर लो, तो ये आपके पॉइंट सेंट्रोइड का फार्मूला आ गया. ठीक है, जैसे सेंट्रोइड का फार्मूला है वैसे ही मिड पॉइंट का फार्मूला है. मिड पॉइंट दो पॉइंटों का निकलता है, सेंट्रोइड तीन पॉइंट्स का निकलता है और ट्रायंगल के बीच में होता है. और ये भी ऐसे भी कह सकते हैं, सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहां मीडियंस ऑफ ट्रायंगल मीट करते हैं. जैसे ट्रायंगल है, ये इसका मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है, जो साइड को मिड पॉइंट से कट करता है, यहाँ पे जैसे एक लाइन है, ये मिड पॉइंट पे कट कर रही है, ये मिड पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है तीनों मीडियंस का जहां पे ये पॉइंट मिलते हैं तीनों लाइनें, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है जी, तो ये सारे फार्मूले आपने याद करने हैं. इन सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का, अगर आपको ट्रायंगल दिया गया है उसके तीन पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, जो ये BC साइड को हम इसको B लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल सॉरी A के सामने स्मॉल A लिखेंगे, कैपिटल A ना ये वर्टिसेस, तो जो इसके सामने साइड होती है इसको स्मॉल A से डिपिक्ट करते हैं, जो ये हमारी AB साइड है, ठीक है, ये B के सामने वाली साइड को स्मॉल B लिखेंगे और C के सामने वाली साइड को स्मॉल C लिखेंगे. तो ये स्मॉल ABC है, बेसिकली इनकी लेंथ है, स्मॉल A इज इक्वल टू BC, B इज इक्वल टू CA, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे पता लगता है जो वर्टिसेस लिखा है, जैसे कैपिटल B लिखा है उसके सामने छोटा B लिख दो, कैपिटल A के सामने छोटा A लिख दो, ये आपको लेंथ निकालनी है साइडों की डिस्टेंस फार्मूला से. ठीक है,
बेसिकली इन सेंटर होता क्या है, अगर आप तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर दो, बाइसेक्ट करना सिखाया था छोटी क्लास में, जैसे इसके बीच में से एक लाइन निकली, एक लाइन इसके बीच में से निकली और इधर से इसका बाइसेक्ट कर दिया, जहां पे तीनों पॉइंट टच करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फार्मूला क्या है इसका, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट आएगा ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स, ए इज इक्वल टू बी सी है, बी इज इक्वल टू सी है, सी इज इक्वल टू ए बी है। आपको पॉइंट पता है तो डिस्टेंस निकाल के बी सी सी ए बी निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूला की, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, एक पॉइंट है 0.4, एक पॉइंट है 2.0। हम एक पॉइंट निकालना है जो दोनों को 2:3 में डिवाइड करता है, तो ये मेरी एम वन होगी, ये मेरी एम टू होगी। ठीक है, ये मेरा एक्स वन पॉइंट है वाई वन, तो ये मेरा एक्स टू वाई टू। फार्मूला क्या था भाई, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो एक्स निकल गया। ठीक है जी, फिर y का फॉर्मूला था एम वन वाई टू, एम वन देखो 2 गुना 0 कर रहे हैं और एम एम टू एक्स वाई वन 3 × 4 / 2 + 3, तो ये आपका फार्मूला निकाल के ये आपका पॉइंट आ गया। अगर वो कहता है एक्सटर्नली कट करता है तो रेशियो आपकी 3 होगी, एम वन 3 हो गया, एम टू आपका 2 हो गया, और बीच में आपने साइन कौन सा लेना, नेगेटिव का। तो देख लो बस, मतलब कि रेशियो को माइनस से डिनोट कर दो आप, तो बीच जैसे में लिखते वैसे ही कर दो बस, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया डिवाइड बाय एम वन माइनस एम टू। ठीक है, जब आपने वाई कोऑर्डिनेट निकालना है फिर आप एम वन वाई टू से गुना करोगे प्लस एम टू वाई वन। ठीक है जी, तो जहां पे एक्सटर्नली यूज किया जाए वहां पे रेशियो में नेगेटिव लगा लो, एम वन रेशियो माइनस एम टू कर लो आप। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है यूजिंग सेक्शन फार्मूला शो करो कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पहले ए पॉइंट लगा लो, बी पॉइंट लगा लो, सी पॉइंट आपका कहीं बीच में होएगा, ये सी लिख लो इसको आप। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूले में रेशियो दी होती है, मुझे रेशियो का नहीं पता, मान लो कि जो रेशियो है भाई वो के रेशियो वन है। अपनी तरफ जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो ना पता हो और सेक्शन फार्मूला यूज करना, तो रेशियो क्या माननी है आपने, के रेशियो वन। तो ये मेरा एम वन हो गया, ये मेरी एम टू होगी, ये एम वन है ये एम टू, तो आप इस सी लिख लो या पी लिख लो, इसने कैपिटल पी लिखा हुआ है, इस पी पॉइंट को निकालो। कैसे निकालेंगे, एम वन ए इंटू -4 एम टू इंटू एक्स वन, ये निकला अपॉन एम वन प्लस एम टू। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब ये जो पी पॉइंट है बेसिकली मेरा सी पॉइंट के साथ कंपेयर करो 2,0, तो जो पहला कोऑर्डिनेट वो मेरा एक्स है, इसको एक्स के इक्वल कर दो 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2K + 2 हो गया, वो वैसे का वैसे लिख दिया। एक तरफ के वाले इकट्ठे करो 6K हो जाएगा, यहां से के की वैल्यू आ गई, इस के की वैल्यू को दूसरे में पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसमें जब पुट किया सॉल्व किया तो 0 निकल के आ गया, यानी कि ये 2,0 पॉइंट निकल के आ गया, यानी कि जो पी पॉइंट है जो हमें के रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है वो सी पॉइंट के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। बेसिकली आपको क्या करना होता है, एक पॉइंट जो बीच में ले लेना है पी, उसको के रेशो वन करके पहले उसका के निकाल लेना है आपने, के को जब दूसरी पॉइंट में पुट करोगे वहां से दूसरा पॉइंट 0 होना चाहिए आपका जो भी होएगा यहाँ पे, तो अगर वही पॉइंट निकल के आ जाएगा तो आप बोलोगे कि ये पॉइंट ए बी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिड पॉइंट्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो एक मुझे ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, मुझे इसके मिड पॉइंट्स दे दिए उसने, मान लो ये पॉइंट पॉइंट नहीं पता मुझे, ये मान लो एक्स वन वाई वन पॉइंट है, ठीक है, ये आप एक्स टू वाई टू मान लो, ये आप मान लो एक्स थ्री वाई थ्री, ये आपने 3 पॉइंट्स मान लिए ट्रायंगल के। अब मुझे उसने बोला है कि ये पॉइंट्स निकालने आपने एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, उसके मिड पॉइंट उसने दे दिए, एक मिड पॉइंट ये हो गया 3,4 मान लीजिए, कुछ भी ले, जहां मर्जी ले सकते हो, एक मिड पॉइंट आप यहाँ ले लो 4,1, एक मिड पॉइंट आप ये ले लो 2,0। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों का जो फार्मूला लगाओगे ऐसे बनेगा, एक्स वन प्लस मिड पॉइंट फार्मूला किया ना, तो ये इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 3 कर दोगे
और इसी तरह y1 y2 अपॉन 2 वो 4 हो जाएगा। आपके यहां से एक क्वेश्चन आ जाएगी, इधर ये 6 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगी। इन दोनों के अलग क्वेश्चन बनाओगे, इन दोनों के अलग क्वेश्चन बनाओगे, तीन क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहाँ पे देखो जी, इसने उल्ट फुलट लिख लिए होंगे पॉइंट, तो कोई बात नहीं, आप जैसे यहाँ पे बुक में किया इसके हिसाब से ही कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 0 लिख लो, 4 1 लिख लो, 3 4 लिख लो। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसमें से मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसमें से मेरे पास ये वाली क्वेश्चन बन जाएगी, और तीनों के अलग अलग तीन क्वेश्चन बन जाएगी। इन तीनों को 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है आपने। ठीक है, देखो जैसे 2 0 उसने लिखा है, ये डी, पहले डी लिया, डी इसका मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो x2 + x3 ये पॉइंट्स हो गए ना, इन दोनों का प्लस करके 2 किया, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, इज इक्वल टू 3 4 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चंस आ गई मेरी, एक नंबर दो नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसने ई ले लिया, ई इज अ मिड पॉइंट, सी ए, तो इन दोनों पे लगाएंगे x1 + x3 y1 + y3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो उसने लिया एफ इज अ मिड पॉइंट, एफ किस किस का मिड पॉइंट है, ए और बी का, तो ए और बी को मिड पॉइंट का सिंपल फार्मूला होता है, जितने कोऑर्डिनेट्स उनको प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, बस ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या करो, आप एक्स वालों को एक्स में ऐड कर दो, 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर को ऐड कर लो, वो 2 2 टाइम्स बन जाएगा, इधर 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे x1 + x2 की वैल्यू पुट कर दो, देखो x1 + x2 की वैल्यू ये पड़ी 4, तो ये हो जाएगा 4 + 3। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड कर लिया नीचे किसने, तो हो गया 4 + x3 + 9 आ जाएगा। वहां से x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, जब x3 निकल गया उसको x3 को यहाँ पुट कर दो, 5 x2 1 आ जाएगा, इसी तरह x1 निकल जाएगा। इसी जब ऐसे x वाले निकाले फिर y वाले निकालो, सभी को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, 5 हो जाएगा। y1 + y2 की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे, 1, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 + y3 = 5, y3 आपका 4 आ जाएगा, y1 + 1 है ना, तो सॉरी 1 उधर के 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसने गलत लिखा, इसका मतलब ये 4 आएगी। ठीक है, तो ऊपर पुट कर दी, चलो वैल्यूज निकलती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन करना है आपने। अगला क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, तो सिंपल फार्मूला, तीनों पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, क्या फार्मूला सेंट्रोइड का, x1 x2 x3 / 3, y1 y2 y3 / 3। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना बेटा, इसके ऊपर लिख लेते होते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है। तो x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 3 से डिवाइड कर लो, y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 3 से डिवाइड कर लो, तो आपके पास सेंट्रोइड निकल जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, इफ थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, आपने निकालना है फाइंड थर्ड वर्टेक्स, टू वर्टेसिस हमें गिवन है, एक का -1/4 ये लिख लो, ए बी आपका 5 2 ये लिख लो, तीसरा आपको पता नहीं उसको एक्स वाई लिख लो, और हमें उसने बोला है मीडियंस मीट एट 0 -3। मीडियंस कहाँ मीट करते हैं आपको पता है, वो जो पॉइंट होता है बेसिकली सेंट्रोइड होता है, तो ये हमें इसने ये उसने हमें सेंट्रोइड दिया है। तो सेंट्रोइड का फार्मूला भी बताया गया ऊपर, ये x1 हो गया, ठीक है, ये आपका x2 हो गया, ये आपका x3 हो गया, पहला कोऑर्डिनेट x वाला, इन दोनों को प्लस किया, -1 + 5 + x3 इज इक्वल टू ये 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है ना सेंट्रोइड का ये वाला। ठीक है जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां से जाके 0 हो जाएगा, तो 4 4 + x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है जी, इसी तरह y वाला पकड़ लो, y कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर लो, y1 + y2 + y3 / 3 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ ये वाला y। ठीक है, तो 4 + ये 3 से के -9 हो जाएगा, 6 हो गया, 6 उधर के माइनस के -15 आ गया, तो इस तरह वाई की वैल्यूज आ गई। तो बेटा इस वीडियो में आपको मेन सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट और सेंट्रोइड के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तीनों फार्मूलों को याद कीजिए, एग्जाम्पल्स को लिख लिख के देखिए, तभी समझ आएगी। फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मेरे से आस्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स।